So welcome everyone, welcome to the session. And आज के session में हम बात करेंगे RBI 2023 notification की. So RBI 2023 notification is out and it is a very great opportunity for everyone. So इस session में हम बात करेंगे कि इस exam को कैसे approach करें, क्या number of vacancies हैं, syllabus क्या है, क्या timeline लिखने चाहिए और आपको कंप्लीट यूपीएससी जो आपने प्रिपरेशन की है अगर, सो हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन. ओके, सो विद दिस वर्ड्स लेट्स सी द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द नोटिफिकेशन. सो आई विल डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जाम, वेरियस एग्जामिनेशन स्टेजेस, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन. एंड दिस ईयर द सिलेबस हैज चेंज्ड अ बिट, सो देयर इज अ चेंज इन द सिलेबस ऑल्सो. But this change is not major change, it is a minor change. Then I will also tell you about the courses that we are providing for the RBI Grade B exam. I will also tell you the importance of RBI Grade B exam and how it is easy for the UPSC aspirant to prepare for the RBI exam. So all these things I will discuss with you. Okay. So first of all, who is eligible? The eligibility criteria is both for the graduation एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन. तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों तरह के लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं. इफ यू आर ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन. दैट मीन्स यू कैन बी इन द आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और एनी अदर फील्ड. ओके, और यू कैन हैव ए इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. सो देर आर मैनी इक्विवेलेंट टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. एज पर योर बैकग्राउंड यू कैन आइडेंटिफाई, आप देख सकते हो कि आपके जो टेक्निकल एजुकेशन अगर है वो क्या वो कोई आपकी ग्रेजुएशन से मैच करती है. ओके, सो इन दैट केस यू शुड हैव ए मिनिमम 60% मार्क्स. तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है कि आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए, राइट. बट इफ यू आर फ्रॉम द एससी, एसटी और फिजिकली यू नो चैलेंज्ड पर्सन, then you will have only 50% marks criteria. So if you have 50% marks, then you are eligible to appear for this exam. Okay, so ye aapka ho gaya graduation ka. This is about the graduation. Second is about the post graduation. So in the post graduation, you can be the post graduate in any discipline. Aap kisi bhi discipline mein post graduate ho sakte hain. और यू कैन हैव इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. आपके पास कोई इक्विवेलेंट टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है. इन दैट केस यू हैव टू स्कोर ओनली 55% मार्क्स. आपको सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए. ओके, एंड फॉर द एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी यू हैव टू गेट ओनली द पासिंग मार्क्स. तो पासिंग मार्क्स, वट एवर पासिंग मार्क्स देर आर इन यूनिवर्सिटी, इट कैन बी 40%, इट कैन बी 33%. तो जो भी पासिंग मार्क्स होंगे आप वो लेके आएंगे, इट इज मोर देन सफिशियंट. ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है. ओके, एंड इट इज बेसिकली इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स और ईयर्स. तो इट इज नॉट ओनली द मार्क्स ऑफ फाइनल ईयर, रादर इट इज द मार्क्स ऑफ ऑल द ईयर्स, ऑल द सेमेस्टर्स फॉर योर एग्जाम. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. नाउ वट इज द एज लिमिट? सर एज कितनी चाहिए? सो एज इज 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स. तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट है. एंड इफ यू आर फ्रॉम द एस सी एस टी कैटेगरी देन यू गेट ए रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स. दैट मीन्स 35 ईयर्स इज द मैक्सिमम लिमिट. इफ यू आर फ्रॉम द ओबीसी बैकग्राउंड 33 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट. ओके, इफ यू आर फ्रॉम द फिजिकली चैलेंज्ड बैकग्राउंड देन यू गेट 40 ईयर्स एज लिमिट. And if you are the OBC also and physically handicapped also, then you get 13 years, that is 43 years eligibility. And if you are physically handicapped or SCST also, then you get 45 years eligibility criteria. Okay, so ये आपकी एज क्राइटेरिया है. तो नॉर्मली हम मान के चलेंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम देखें एक्सटेंडेड जो एग्जाम में होती है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में होती है, वो 30 years होती है, that is 30 years. So same is given here. Now, there is a special condition in case of MPhil and PhD candidates. So if you are from the MPhil or from the PhD background, then the upper age limit is relaxed for 32 and 34 years.
तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, देन दिस एमफिल एंड पीएचडी बैकग्राउंड इफ यू आर हैविंग, अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड बाय 2 years एंड 4 years रिस्पेक्टिवली, 2 साल और 4 साल आपका रिस्पेक्टिवली लगेगा. राइट नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सर कितना अटेम्प्ट लगेंगे मैक्सिमम? आपको 6 अटेम्प्ट अलाउड होते हैं. अब 6 अटेम्प्ट तो बहुत होते हैं, मोर देन सफिशेंट. यूपीएससी आईएएस एग्जाम विच इज अ डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ दिस इंडिया, वहां पर भी आपको 6 मिलते हैं, और ये तो कंपेरेटिवली ईजी एग्जाम है. तो 6 अटेम्प्ट आपके पास हैं, सो आई विल सजेस्ट कि आप इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कीजिए और अपने आप को ट्राई कीजिए. इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं भी हैं तभी भी आप इस एग्जाम को तैयार जरूर कीजिए. यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन दैट केस एज वेल, उस केस में भी आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए. राइट एंड इफ यू आर फ्रॉम द एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू कैंडिडेट, देन देयर इज नो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट. फिर तो आप कितनी बार भी एग्जाम दीजिए वाला, फिर कोई लिमिट नहीं है. सो इन सिंपल वर्ड्स, यू मस्ट फिलअप द एग्जाम फॉर्म. आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहिए. एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में सिर्फ आपको जो फीस लगेगी वो लगेगी, अदरवाइज आपको कोई लॉस नहीं होगा. राइट नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द 2023 एग्जाम. 23 एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं? सो इंपॉर्टेंट डेट्स आर जुलाई 9. सो जुलाई 9 इज द फेज 1 एग्जाम. ओके सो बेसिकली देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एग्जाम. 3 कैटेगरी ऑफ एग्जाम है. 1 इज द जनरल, 2 इज अ DEPR एंड 3 इज अ DSIM. ठीक है, तो DEPR DSIM दीज आर द स्पेशलिस्ट एग्जाम. इसमें हर कोई एलिजिबल नहीं होगा, नॉट एवरी वन विल बी एलिजिबल इन दिस, बट इन द जनरल कैटेगरी, इन द जनरल कैटेगरी ऑफ एग्जाम एवरी वन इज एलिजिबल. सो फॉर दिस द फेस वन एग्जाम विल बी हैपनिंग ऑन जुलाई 9. ओके एंड द वेबसाइट लिंक इज ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन From May 9, okay, and it will be open till June 9. That means, अभी सिर्फ application form fill up करना start हुआ है, आपके पास time है, but I will say exam form fill up कीजिए और preparation start कीजिए, because the moment you fill up the exam form, your mind gets ready to appear in the exam, okay, and phase 2 exam is having 3 papers where you will get डेट ऑफ जुलाई 30. तो ये एग्जाम आपका जुलाई 30 को होगा. ओके सो दीज 2 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके नाउ अंडरस्टैंड 1 थिंग, एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, द गैप बिटवीन दीज 2 एग्जाम्स इज हाउ मच? 21 डेज. 21 डेज में आपको फेज 2 प्रिपेयर करना है, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके दैट मीन्स यू शुड प्रिपेयर द फेज 2 वेल इन एडवांस. आपको फेज 2 अभी एडवांस में प्रिपेयर करना होगा. ओके नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंसीज? सो इन द जनरल स्ट्रीम 222222, वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, बहुत अच्छा वैकेंसी है. देर इज हार्डली एनी अदर हाई लेवल ऑफ एग्जाम वेयर सो मेनी वैकेंसीज आर कमिंग. अगर आप देखें in UPSC there are more than 20 services and those more than 20 services carry just 1000 seats. Okay but yahan par ek sirf single service mein 222 service 222 aapki seats hoti hain, which is not a small number, jo ki bahut acha number hai. So you should definitely feel happy that number of vacancies is good. Okay and if you are from the DEPR or from the DSIM category, then still you have 38 and 31, which is again a good number. Now, sir, what is the benefit that we will get? Sir, क्या benefit मिलेगा? क्या benefit मिलेगा हमें अगर हम exam को देते हैं? Salary क्या होगी sir? Salary is basic pay 55,200 per month. Again, it is very very good amount. I'm telling you, काफी अच्छा amount है. Okay, and this, you know, in addition to this, there are special allowances, grade allowance, DNS allowance, local compensatory allowance, स्पेशल ग्रेड अलावेंस, लर्निंग अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस एज पर द रूल्स इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू सी द मंथली ग्रोस इमोल्यूमेंट्स, ओके दे आर 1 लैख
16,914, ओके ओके, ये आपका विदाउट एचआरए है। हाउस रेंट अलाउंस बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आप हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड करेंगे, इफ यू इंक्लूड हाउस रेंट अलाउंस इन, यू नो, मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज दे विल गेट 30,000 to 40,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस। इस लेवल की जॉब में 30,000 to 40,000 अलाउंस इजीली मिल जाती है। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की है, आई हैव वर्क्ड विद एनटीपीसी लिमिटेड, आईआरसीटीसी लिमिटेड, एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम वेरियस बैंक्स ऑल्सो। आई बिलोंग टू दिस कॉमर्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड के लोगों को आराम से 1.5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज इज वेरी वेरी गुड, 1.5% आपको पैकेज मिलेगा, ओके। एंड फॉर कैंडिडेट्स पजेसिंग वेरी हाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द बैंक, वो बैंक विल ग्रांट अप टू 4 एडवांस इंक्रीमेंट। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आता है जिसका ऑलरेडी बैंक में वर्किंग है तो आरबीआई उसको एडिशनल 4 इंक्रीमेंट लगा करके दे सकता है, ओके okay? हाँ, एक चीज और मेंशन है, द हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ द बेसिक पे विल बी पेड इफ अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो बेसिक पे का 15% होगा। आई मेड ए मिस्टेक, आई एम करेक्टिंग इट। 30,000 to 40,000 का हाउस रेंट अलाउंस नहीं होता है, वो लीज होता है। अगर लीज होता है तो आरबीआई वाले केस में हाउस रेंट अलाउंस होता है जो कि 15% ऑफ बेसिक पे होता है। दैट मीन्स इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 8,000। तो 8,000 प्लस 1,16,000, अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख विल बी द ग्रॉस इमोल्यूमेंट। दैट मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द पैकेज, पैकेज इज 15 लाख रुपीस। तो आपका 15 लाख का पैकेज बनेगा, 15 लाख का पैकेज बनेगा आपको, वो भी आरबीआई गवर्नमेंट जॉब में। तो इससे अच्छा आपको गवर्नमेंट जॉब मुझे लगता नहीं है कि इस कैटेगरी में आपको मिलेगा, राइट? नाउ व्हाट आर द बैंक्स अकोमोडेशन, ये सब चीजें आपको जॉब के बाद आप देखिएगा, ठीक है? अभी आपको मतलब ये सब देखने की बातें नहीं है, ठीक है? प्रोबेशन जो है वो आपका 2 साल का होगा और आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर मिलेगा, ठीक है? और आपका प्रमोशन होगा, तो ये सब चीजें आपके इसमें मेंशनड है, ओके? नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम इज फेस वन। फेस वन आपका फर्स्ट एग्जाम होता है। इट इज जस्ट लाइक द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ यूपीएससी। जैसे आपका यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम होता है, वैसा ही आपका आरबीआई ग्रेड में फेस वन एग्जाम होता है, ओके? और इस फेस वन एग्जाम के लिए यू हैव 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। वन इज जनरल अवेयरनेस, एक आपका है GA, ओके? सेकेंड इज QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। थर्ड इज इंग्लिश, जैसे आपने देखा इंग्लिश लैंग्वेज। एंड फोर्थ इज रीजनिंग, ओके? सो दीज 3 एरियाज आर द एप्टीट्यूड ओनली। ये सब आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं। एंड दिस इज द जनरल अवेयरनेस, ओके? एंड इफ यू सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, सो GA कैरीज द हाइएस्ट वेटेज। सेकेंड हाइएस्ट वेटेज इज रीजनिंग, देन वी हैव क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड देन वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज, ओके? एंड देर इज ए सेक्शन वाइज टाइम लिमिट, 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट, ओके? तो अगर आप देखें जनरल अवेयरनेस में इन 80 क्वेश्चंस यू गेट ओनली 25 मिनट्स, दैट्स लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी सुपर फास्ट। आपको सुपर फास्ट स्पीड से आपको पेपर सॉल्व करना होगा। इन QA इंग्लिश यू गेट सफिशिएंट टाइम, 30 मार्क्स के लिए 25 मिनट्स। एंड इन रीजनिंग ऑल्सो यू गेट लेस टाइम, आउट ऑफ 60 मार्क्स यू हैव टू सॉल्व इन 45 मार्क्स, ओके? एंड देर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। रीजनिंग और ये सब में, सभी में GA, QA, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, इन ऑल द एग्जाम यू हैव 0.25 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके? सो एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस क्लियरली? So you can reply in the chat box, everyone. Fine.
Now, coming to the phase two में क्या होगा सर? Phase two में क्या syllabus है? तो phase two syllabus has three papers. Paper one is economics and social issues. Okay, so यहाँ पर आपका economics है and social issues है, right? And here we have two categories of questions. One is MCQ based, 50% questions, and then we have 50% descriptive. ठीक है, तो 50% आपका एमसीक्यू बेस्ड है और 50% आपका डिस्क्रिप्टिव है. 50% एमसीक्यू बेस्ड है और 50% आपका डिस्क्रिप्टिव है. ओके, एंड हाउ मेनी मार्क्स यू कैरी? 50 मार्क्स इन 30 मिनट्स फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड फॉर 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव फॉर द आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. ओके, तो यहां पर आपको आंसर्स लिखना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी टाइप्ड. ये कीबोर्ड से आपको आंसर लिखना है. Okay, and they are also giving the number of questions. So in the MCQ, you will get some questions which will carry 2 marks each, and you will get some questions which will get 1 mark each. So kuch questions mein aapko 2 marks each milenge, kuch mein aapko 1 mark each milega. Okay, and 50% descriptive questions mein, you will get 6 questions, out of which 4 have to be attempted, and you will get 2 of 15 marks each and 2 of 10 marks each. Okay. तो आपके सिंपल ये अंडरस्टैंड करना है कि यू गेट 50% ऑफ ईच. 50% आपको एमसीक्यू मिलेगा, 50% आपको आंसर राइटिंग करना होगा. ओके, नाउ अनदर इज इंग्लिश. इंग्लिश में क्या होगा सर? इंग्लिश हैज ओनली डिस्क्रिप्टिव. ओके, इट इज ओनली डिस्क्रिप्टिव. इट हैज 3 components. वन इज प्रिसिस, सेकेंड इज आरसी, एंड थर्ड इज एसे. ओके, सो इंग्लिश हैज 3 components. वन इज precise writing, second is reading comprehension, and third is essay. Okay, and it carries 100 marks equal to the first paper, that is economics and social issues, and you get 90 minutes. Okay, so in the first paper you get 2 hours. Yahan par aapko 2 hours milenge. Here you will get 90 minutes, that is 1.5 hours aapko milenge. Okay, and third is finance and management aapko milega. In the finance and management you get again the exact same pattern, 50% MCQ based paper and 50% descriptive paper, that is answer writing paper. So you will get again here 50 marks 30 minutes, 50 marks 90 minutes, again 2 hours paper. Okay, so you have 3 papers, paper 1 economics and social issues, paper 2 English, and paper 3 finance and management. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपका फेस टू से आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी. फेस वन से आपकी रैंकिंग डिसाइड नहीं होगी. फेस वन इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर. फेस टू से आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी. फेस टू प्लस इंटरव्यू, बोथ द मार्क्स विल बी एडिड एंड यू विल गेट द एप्रोप्रिएट रैंक एज पर द मार्क्स. ओके, नाउ कमिंग टू इंटरव्यू स्टेज. हाउ मच इज द वेटेज ऑफ इंटरव्यू स्टेज? इन द इंटरव्यू यू गेट 20% weightage. Okay, and this interview you can either give in language of Hindi or English as per your choice. Okay, so interview weightage is 20%. That means maximum effort you have to put in the writing of phase 2. Phase 2 aapka result decide karega. Phase 2 se hi aapki rank banegi. To phase 2 mein kya hai? You have economics, finance, management. और वहां से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी. इंग्लिश तो डेफिनेटली, इंग्लिश इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट आपके लिए, फॉर यू, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट कैन बी द डिफिकल्ट एरिया. दीज एरियाज यू हैव टू मास्टर. ये एरिया आपको मास्टरी करनी होगी. ओके, नाउ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन फेज 2. तो फेज 2 के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होगा. ओके, and interview will be of 75 marks each, and candidates shall also be required to undergo psychometric test. Aapko psychometric test bhi karna hoga, conducted by the bank before appearing for the interview. No marks will be allotted for the same and will not form part of the selection criteria. Okay, to psychometric test hoga, but iske liye aapko koi marks nahi milega. Ye marks aapke add nahi honge aur is marks ke base pe aapko koi रिजल्ट इंपैक्ट नहीं होगा. ओके, नाउ सिलेबस. ओके, सो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया आपको द नंबर ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया,
नंबर ऑफ पेपर्स, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, वेटेज, और क्या आपको ओवरऑल अप्रोच है, ठीक है? ये सिलेबस का पार्ट है, सेकंड पार्ट इज सिलेबस, ओके? सो बिफोर आई मूव फर्दर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, आई कैन आंसर. So everyone, I just want to ask, how many of you are preparing for UPSC? Those people who are online, how many of you are preparing for UPSC? Please type in the chat box. Okay. One, Priyanka Nagar. Okay, so what about others? कितना, ओके, वेरी गुड. देखिए रिप्लाई कीजिए, बिकॉज देन आई विल बी फोकसिंग ऑन हाउ दिस एग्जाम इज कोरिलेटिंग विद द यूपीएससी, यूपीएससी से कैसे कोरिलेट करता है. ओके सत्यव्रत नायक फॉर द आरबीआई, वेरी गुड. सो लेट मी डिस्कस द सिलेबस एंड एट द लास्ट आई विल कंपेयर विद द यूपीएससी ऑल्सो. ओके अभी मैं यूपीएससी से कंपेरिजन नहीं करूंगा, अभी मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ. ओके लेट मी डिस्कस द सिलेबस एंड देन लेटर ऑन आई विल कम टू द यूपीएससी कंपेरिजन. ओके सो देखिए फेस वन में दे हैव नॉट गिवन द सिलेबस क्लासिफिकेशन, फेस वन में उन्होंने सिलेबस क्लासिफिकेशन नहीं दिया है. इन द फेस वन दे हैव जस्ट गिवन द टॉपिक लिस्ट, दैट इज अ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्ट इज द रीजनिंग. उन्होंने सिर्फ ये दिया है एंड बेस्ड अपॉन द पास्ट ईयर क्वेश्चंस वी कैन आइडेंटिफाई द वेरियस आइडियाज, वेरियस टॉपिक्स विच आर आस्क्ड. ओके सो माई फैकल्टी मेंबर, माई कलीग मिस्टर सोमा शेखर, ही टुक द सेशन ऑन जनरल अवेयरनेस टूडे एंड वी विल बी पोस्टिंग द यूट्यूब लिंक ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो एंड वी विल अगेन वी विल ऑल्सो पोस्ट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. तो यू कैन सी द जनरल अवेयरनेस कि सर जनरल अवेयरनेस का क्या रेशियो रहता है, फेस वन में कैसे होता है, फेस टू में कैसे होता है. ओके फेस वन में जनरल अवेयरनेस का सेपरेट पेपर है और फेस टू में यू हैव इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज. सो इन द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज ओनली देर आर सम पोर्शन ऑफ द सोशल इशू दैट वी कैन से आर बेसिकली रेलिवेंट इन द जनरल अवेयरनेस. ओके नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, सो वाट इज द सिलेबस? सिलेबस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ. ओके सेकेंड इज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. ओके थर्ड इज पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया. फोर्थ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज. ओके सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक्स. दीज आर वेरी फंडामेंटल टॉपिक्स, बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स हैं. देन सेकेंड कैटेगरी इज इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में वी हैव इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बेसिकली प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट फाइव ईयर प्लान टिल लास्ट प्लान, तो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं. Then changes in the industrial and labor policy, which is basically like Mahalanobis model, 1991 reforms, new manufacturing policy. So ye aapka pura economics ka industry wala part ho gaya. Then we have monetary and fiscal policy since reforms of 1991. Okay, so aapki monetary and fiscal policy ho gayi, right? 1991 ke baad ki. Priorities and recommendations of economic survey and union budget. That means aapko budget ka और सर्वे का आपको एनालिसिस भी करना है. ओके एंड देन वी हैव इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. ओके दैट इज अ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब आपका इसमें आएगा. देन रोल ऑफ इंडियन बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स आएगा इसमें, आपके सारे बैंक्स आएंगे. देन रिजर्व बैंक इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी. पब्लिक फाइनेंस है, दैट मीन्स फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट. तो ये आपकी सारी पब्लिक फाइनेंस हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया. देन यू हैव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर एंड यू हैव सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया. ठीक है तो आपका ये पूरा एक इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर वाइज हमने किया. ओके सेक्टर वाइज हमने किया इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, देन प्लानिंग, मनी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द पब्लिक फाइनेंस. तो ये आपका पूरा बंच हो गया जो कि कोर इकोनॉमी का पार्ट होता है. ओके देन कम्स द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट द फॉरिन सेक्टर इकोनॉमी. फॉरिन सेक्टर इकोनॉमी है, वही आपका ग्लोबलाइजेशन है. सो इन द ग्लोबलाइजेशन यू हैव
opening up of the Indian economy. That means 1991 reforms. तो 1991 reforms से क्वेश्चन आएंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होगा, देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स institutions होगा, IMF एंड वर्ल्ड बैंक होगा, WTO होगा, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, एंड यू विल हैव इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज. ओके, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज आपका होगा. ओके, सो यू विल हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक institutions, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, WTO, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज. तो ये आपका पूरा फॉरिन सेक्टर हो गया. ओके, एंड द सोशल इज ओनली वेरी लिमिटेड. ओके, अर्लियर इट यूज टू बी वेरी हाई. पहले सोशल स्ट्रक्चर आपका काफी बड़ा पोर्शन होता था, बट नाउ दिस इज लेस. अभी आपका काफी कम हो गया है. ओके, देयर इज सम टेक्निकल इश्यू. फाइन, सो सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. ओके, सो मल्टी कल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज एंड सोशल जस्टिस. ओके, सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स. ये बेसिक टॉपिक्स हैं, जस्ट 3-4 टॉपिक्स, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है. सो मेजरली इट इज द कोर मैक्रो इकोनॉमिक्स. इफ यू आस्क मी विच इकोनॉमिक्स इज दिस, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो मैक्रो इकोनॉमी आपका ये है. ओके, दिस इज मैक्रो इकोनॉमी. ओके, एंड सोशल इश्यूज इज वेरी स्मॉल पोर्शन. ओके, सो दिस इज द पेपर वन. ओके, अर्लियर, ओके, व्हाट इज द चेंज? सो अर्लियर दिस सोशल स्ट्रक्चर वाज वेरी वेरी लार्ज, मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक. तो इट ऑल्सो हैड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, देन इट हैड सोशल मूवमेंट्स, इंडियन पोलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर्स, हेल्थ, एजुकेशन. सो दिस एरिया विच इज हाईलाइटेड इन द येल्लो, ओके, दिस एरिया विच इज हाईलाइटेड इन द येल्लो, दिस एरिया विच इज हाईलाइटेड इन द येल्लो, दिस एरिया वॉज नॉट लाइक दिस एरिया वॉज एग्जिस्टिंग अर्लियर, बट दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ. ठीक है, तो ये एरिया आपका हटा दिया है, सिलेबस कम हो गया है आपका. ठीक है, तो खुशी की बात है, खुश हो जाइए कि सिलेबस आपका कम हो गया है. ओके, नाउ दिस टॉपिक आई टोल्ड यू हैव बीन डिलीटेड, सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर्स इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन. ये सेक्टर्स आपके एलिमिनेट हो गए, डिलीट हो गए हैं. ठीक है, सो विच बुक्स यू शुड फॉलो, क्या बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए? देखिए बहुत लंबी लिस्ट है. आप उमा कपिला पढ़िए, देवराज रे पढ़िए, और सोशोलॉजी के लिए शंकर पढ़िए, एनएडी और के एंडली पढ़िए, सुंदरम पढ़िए, बिजनेस लाइन, ये सब. देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं क्या करना चाहिए आपको. सिंपल, इफ यू वांट टू गो फॉर द बुक्स, अगर आपको बुक्स के लिए जाना है, ओके, सो यू कैन गो फॉर सम नितिन सिंघानिया इकोनॉमी बुक. नितिन सिंघानिया की बुक आती है, दिस इज परफेक्ट आई विल से, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस इसमें ऑलमोस्ट कवर होता है, राइट? बट हाँ, दैट बुक इज फॉर द यूपीएससी एग्जाम. ओके, ये आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए बुक है. ओके, दैट मीन्स दे विल बी वेरिएशन इन द ओरिएंटेशन. ओके, ऑन द अदर हैंड वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द स्टडी मटेरियल, दिस विल बी रिलीज्ड इन कपल ऑफ डेज. तो दिस स्टडी मटेरियल यू कैन फॉलो, दिस विल बी अवेलेबल इन द printed format, okay, as per the latest syllabus given in the same order mein aapko latest syllabus cover karte hue hum log sara cover karenge. Okay, so this you can use for the social and economic issues. Okay, this is the first paper, ye first paper ho gaya. Now comes the second paper, that is the general finance, aapka general finance aata hai. Okay, so in the second paper of general finance, this is given in detail here. Ye paper 3 hai basically, paper 2 mein English hai, and English they are not mentioning any specific things, but they ask 3 type of question which are there. Okay, aapke 3 type ke questions hote hain, which is reading comprehension, precise writing, and you have essay.
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, प्रिसाइज राइटिंग होता है और ऐसे होता है, ठीक है। और आपका जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, दिस इज द एरिया विच यू कैन से इज ए स्पेसिफिकली फोकस्ड एरिया फ्रॉम द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड। सो इफ यू हैव द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड यू विल गेट एन एज। ओके, एंड द रीजन वाई आई एम टीचिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम बिकॉज आई हैव द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी एंड आई हैव द बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस एंड आई हैव द बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम टीचिंग द इकोनॉमी फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट एंड फॉर द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक ईपीएफओ, आरबीआई, एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स, आई एम ऑल्सो टीचिंग द मैनेजमेंट सब्जेक्ट इन द यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स लाइक आरबीआई। ओके, सो दैट इज द रीजन वाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम एंड आई कैन एश्योर यू दैट यू आर एट द राइट प्लेस। आप जो ये स्ट्रेटजी सेशन सुन रहे हैं, ये स्ट्रेटजी सेशन एकदम बिल्कुल सही अच्छे एनालिसिस के हमने ये बनाया है, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो द स्ट्रेटजी दैट आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस सिलेबस इज माई कोर एरिया, दिस सिलेबस इज माई कोर एरिया। ओके, एंड आई विल गाइड यू प्रॉपरली। ओके, सो नाउ दिस सिलेबस हैज थ्री पार्ट्स। वन इज द फाइनेंशियल सिस्टम, सेकेंड इज द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड थर्ड इज द जनरल टॉपिक्स। ओके, सो फाइनेंशियल सिस्टम हैज टॉपिक्स लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंपॉर्टेंट systems, then we have global financial systems, then there is a new addition, ye aapka new addition hai, that is recent developments in global financial system, its impact in Indian financial system, role of information technology, IT ka bahut important role ho gaya hai banking mein, non-banking system, that is like NBFC, and development in digital payments. Okay, so you have these four new topics, the topics given in the pink color, these are the new topics. Okay, and this is the financial system, then we have financial markets, this is the second part. So first part aapka ho gaya financial system, second part aapka ho gaya financial markets, which has primary and secondary market, forex, money, bond, equity, functions, instruments, recent developments. ये आपका फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, ओके। एंड थर्ड इज द जनरल टॉपिक्स। इन द जनरल टॉपिक्स अगेन वी हैव सम टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सम टॉपिक ऑफ इकोनॉमी, अदर टॉपिक लाइक इन्फ्लेशन है आपका, इन्फ्लेशन इज अगेन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड बजट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, राइट। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पीपीपी, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ओनली, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये आपका इकोनॉमी का पार्ट हो गया। सो वन पार्ट इज द इकोनॉमी पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द बैंकिंग पार्ट। ओके, बैंकिंग में फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑल दिस कॉरपोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सिस्टम, यू हैव दिस ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, एंड यू हैव फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो ये बैंकिंग का पार्ट हो गया। एंड थर्ड पार्ट इज द अकाउंटिंग, ये एक नया एडिशन हुआ है। दिस पोर्शन गिवन ऑन द पॉइंट नंबर 8, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस लाइक डेट टू इक्विटी, डेटर डेज, डेटर क्रेडिटर डेज, इन्वेंटरी टर्नओवर, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, दीज आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, दिस इज द सिलेबस ऑफ द न्यू पैटर्न, ये आपके नए पैटर्न का सिलेबस है। ओके, सो हियर द टॉपिक्स विच आर इन द पिंक, ओके, ये सब टॉपिक्स, एंड देर इज वन नॉट टॉपिक NABFID, ये NABFID भी नया टॉपिक है। NABFID है दीज IT, नॉन बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट्स, दीज आर द सिस्टम्स, एंड देन यू हैव अकाउंटिंग, दिस इज आर द न्यू टॉपिक्स, ये आपके सभी नए टॉपिक्स हैं। ओके, दिस इज द जनरल फाइनेंस, ये आपका क्या हो गया, फाइनेंस हो गया, ये फाइनेंस का पार्ट हो गया। फाइनेंस इज यू नो वेरी मच ओवरलैपिंग विद द जनरल स्टडीज इकोनॉमी, बट हियर द फोकस इज मच मोर डीपेंड। ओके, एंड सम ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द EPFO, देन अकाउंटिंग इज ऑलरेडी इन योर EPFO। अकाउंटिंग जो आपने EPFO में पढ़ा है वो आपको यहां पर काम आएगा, इकोनॉमी जो आपने EPFO में पढ़ा है वो आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज में काम आएगा, ठीक है। और आपका जो फाइनेंस
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब हम लोग अलग से वापस से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देन कम्स द ओल्ड सिलेबस। सो ओल्ड सिलेबस में देर वॉज मैनी टॉपिक विच आर नॉट देयर इन द न्यू टॉपिक एंड देर इज अ वाइस वर्सा। ओके, वाट इज द बुक लिस्ट। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, अगेन देर आर सो मेनी बुक्स। ओके, मिश्रा एंड पूरी बुक है आपका, मेयर एंड बाल्डविन है, प्रसन्ना चंद्रा है, हील एंड जैन है। ओके, ये सभी बुक्स किसने बताया? आरबीआई ने खुद बताया हुआ है, आरबीआई है स्टॉल्ड। बट फ्रेंकली स्पीकिंग यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। ओके, सो फॉर यू वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द स्टडी मटेरियल फॉर दिस पोर्शन। तो स्टडी मटेरियल ऑल्सो यू विल बी गेटिंग, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज द मैनेजमेंट। ये आपका मैनेजमेंट आता है, दिस इज पार्ट ऑफ द पेपर थ्री ओनली। पेपर थ्री का पार्ट है वो है आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है सर? इन द मैनेजमेंट यू हैव द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, सो इन केस यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बीबीए एमबीए, तब तो आपने उसको पढ़ा ही होगा। एंड इन केस यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स ऑप्शनल और मैनेजमेंट ऑप्शनल, तब भी आपने इसको पढ़ा होगा, राइट। बट इफ यू आर नन ऑफ देम, देन दिस इज द थ्योरी पार्ट एंड यू कैन वेरी वेल डू दिस, ये आप आराम से कर सकते हैं। बट फॉर दिस यू विल नीड ऑथेंटिक मटेरियल, वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप इसको मटेरियल से कीजिए, फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। सो दैट वर्क यू कैन डू एंड फॉर दैट पर्पज वी विल हेल्प यू। ओके, सो बेसिकली अगेन फॉर दिस थिंग वी विल गिव द स्टडी मटेरियल। तो वी हैव द स्टडी मटेरियल ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, वी हैव द स्टडी मटेरियल ऑफ जनरल फाइनेंस, एंड वी हैव द इकोनॉमिक स्टडी मटेरियल फॉर द मैनेजमेंट पार्ट। तो आपको सारा स्टडी मटेरियल एक अच्छे से कॉम्प्रिहेंड होकर के आपको मिलेगा। इन दिस वी हैव द सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट थॉट, देन वी हैव द इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरियल रोल, नज थ्योरी, वी हैव द टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनैलिटी, राइट, बिग फाइव मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइन्फोर्समेंट, परसेप्शन, परसेप्चुअल एरर्स, मोटिवेशन, कंटेंट थ्योरीज, ओके, देन हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये सब आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। देन वी हैव लीडरशिप, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, वी हैव इंटरपर्सनल रिलेशंस, ट्रांजिशन एनालिसिस, जोहारी विंडो, कॉन्फ्लिक्ट, ओके, चेंज, राइट, देन वी हैव वेरियस एक्शन रिसर्च मॉडल्स, ओके, पॉजिटिव मॉडल। तो ये सब चीज़ें आपकी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में से आती हैं, एंड दिस कैन बी डन इन ए रीजनेबल टाइम ऑफ 3 to 4 weeks। अगर आप डेली 3 to 4 hours देते हैं 3 to 4 weeks में, ये आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट पोर्शन इज एथिक्स एट वर्कप्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। एथिक्स एंड वर्कप्लेस एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपका लास्ट पोर्शन है, एथिक्स एट वर्कप्लेस एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, सो दिस पोर्शन इज एथिक्स, राइट, बिजनेस एथिक्स, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, राइट, देन यू नो मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल इश्यूज, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स में क्या प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस में क्या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, देन कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट आपका क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, दिस इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो, एंड दिस इज यू नो गिवन हियर इन द एथिक्स। तो दिस इज अ बिजनेस एथिक्स पार्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट, अगेन दिस इज वेरी मच फैमिलियर टू, इफ यू आर ए यूपीएससी एस्पिरेंट देन इट इज फैमिलियर टू यू ऑल्सो, देन इफ यू आर ए मैनेजमेंट बैकग्राउंड पीपल इट इज फैमिलियर टू यू, इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड इट इज ऑल्सो फैमिलियर टू यू, ठीक है। तो दिस एरिया इज अगेन वेरी मच गुड एरिया, थ्योरी है एंड कैन बी डन रीजनेबली वेल। नाउ अबाउट आवर कोर्सेस, ओके, सो वी आर लॉन्चिंग द आरबीआई कोर्सेज फॉर 2023, ओके, दीज विल बी द लाइव क्लासेस, ओके, दीज विल बी द स्टडी मटेरियल इन द प्रिंटेड फॉर्मैट एंड वेरी गुड फैकल्टी लाइक मी वी आर हैविंग, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर क्लासेस विल बी देयर एंड दीज क्लासेस विल बी लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आपको लाइव भी मिलेगा एंड यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स एनी नंबर ऑफ टाइम, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ओके, एंड टू द पॉइंट टीचिंग होगा, यू विल हैव द टू द पॉइंट टीचिंग एंड यू विल गेट प्रिंटेड मटेरियल, ओके, यू विल गेट प्रिंटेड मटेरियल, ओके,
प्लस यू विल गेट पीडीएफ ऑफ द क्लास मटेरियल. जो भी क्लास में हम डिस्कस करेंगे यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दैट. ओके, एंड यू विल बी गेटिंग द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस. यू विल गेट द टेस्ट ऑल्सो. ओके, एंड देर विल बी अ सिंक बिटवीन द क्लासेस एंड द स्टडी मटेरियल सो दैट इट इज ईजी फॉर यू वाइल यू आर रीडिंग. इट इज ईजी फॉर यू टू रिवाइज एंड इट इज ईजी फॉर यू टू comprehend it very easily. Okay, and most importantly we have the experts in the commerce and management. Hamare paas commerce and management expert hain. I am the chartered accountant and I also teach the management subjects. So, and apart from this, for this course we will be having management expert, that is a Zeba madam. So Zeba Rahman madam hai. She also is a MBA. वो MBA है, BBA है, and she is a very good professor. And she is also teaching the UPSC management optional. So she will be taking the management classes in this course. And in the financial markets, this portion I will be taking. So financial markets का portion मैं लूँगा. Management, ethics, corporate governance she will be taking. So I will take financial markets. I will take economics. This is my area. Okay. So this is how we will proceed. Then for the English, we will have Chandrasekhar sir. Chandrasekhar sir English lenge. Or paper phase one mein, we have other faculty members. Like general awareness ke liye, we have Shekhar sir. For others, we have other faculties. Okay? Now, faculty have relevant exam experience. We, all of us appeared. I myself appeared in the RBI exam earlier. I was eligible for many banking exams. I didn't join, but okay. RBI में जो syllabus है, जो pattern है, I am completely aware. UPSC में भी आपका बहुत similar चीजें होती हैं. Answer writing हम class में कराते हैं, MCQ हम solve कराते हैं. Okay, so this is very very good matching of the background. Then we will provide you the individual guidance whenever it is required as per the need. Okay, and you will get the live as well as the recording so that you can watch the classes as per your easy access. Okay, now what is the coverage of this course? So if you want to go for the full course, this is a full course. So in the full course you have phase one and phase two. Okay, this has 300 plus hours of classes, right? In this you will get phase one mein, you will get QA, reasoning, English, general awareness. In phase two you will get general finance and management, economic and social issues, English. Okay, and you will get the mock test of phase one and phase two both. So aapko mock test milne likhne ka pura mauka milega. Aap aaram se practice kijiyega, aaram se aapko full on practice milega. You will get printed study material for the phase two. Phase two ke liye aapko printed study material milega. Okay, and in the introductory offer we are making the course eligible for till RBI 2024. तो आरबीआई 2024 तक आपका कोर्स एलिजिबल होगा. आर यू गेटिंग? दैट मींस इफ यू सब्सक्राइब नाउ इट इज वैलिड टिल योर नेक्स्ट ईयर एग्जाम. एंड व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दैट? बिकॉज वी नो दैट इन केस यू डोंट क्वालिफाई दिस ईयर देन यू विल नॉट हैव टू बाय अगेन. तो आप नेक्स्ट ईयर सेम कोर्स से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, राइट? That is our philosophy. Because now, if you are starting fresh, then definitely it is a short time, and you might feel ki sir, I am already occupied in many things, so I'm not sure whether I'll clear or not. But if you get an access for the next 1 year, till 2024 RBI, if you, like suppose it will happen in the month of August 24th, so August 24th tak hoga. December 24 mein hoga, to 24th tak hoga December tak. हम ये नहीं बोल रहे कि एक साल के लिए, हम बोल रहे हैं आपके आरबीआई 24 एग्जाम तक. सिर्फ यही वाला अटेम्प्ट कवर नहीं होगा, आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है? सो द ऑफर इज वैलिड फॉर दिस पीरियड. ओके, एंड द प्राइस इज, इफ यू आर गोइंग फॉर दिस फेज, दिस इज फॉर 12,000 रुपीज. ओके, एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द नेक्स्ट वैलिडिटी, इफ यू वॉन्ट टू एड वन मोर ईयर, आप चाहते कि नहीं सर हम तो 25 तक हमें चाहिए, तो यू विल गेट इन 16,000. तो इन 16,000 रुपीज यू विल गेट फॉर आरबीआई 2025. आरबीआई 2025 तक आपको 16,000 रुपीज में मिलेगा. द वीडियोस यू कैन सी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स,
अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप वीडियो देख सकते हैं. यू विल ऑल्सो गेट द करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस एंड ए मंथली मैगजीन ऑल्सो. ओके, एंड वी हैव द इंटरव्यू गाइडेंस विद द एक्सपर्ट्स. वी हैव द पीपल हु हैव क्वालिफाइड द आरबीआई. आरबीआई टॉपर्स आर इन्वाइटेड एंड द पीपल हु हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जाम मल्टीपल टाइम्स दे आर इन्वाइटेड. ओके, टॉपर्स को आपको स्ट्रेटजी सेशन मिलेंगे. दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस. सो दिस इज वन ऑफर. 12,000 में आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और सब कुछ मिलेगा आपको, राइट. इफ यू वॉन्ट यू गेट द फेज टू ओनली. सपोज यू फील कि सर फेज टू वन आई कैन मैनेज बट आई एम लुकिंग ओनली फॉर फेज टू. तो इफ यू आर लुकिंग ओनली फॉर फेज टू देन यू गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ फेज टू. यू गेट द इंट्रोडक्टरी ऑफर, दैट मीन्स द वैलिडिटी इज स्टिल आरबीआई 2024. एंड वीडियो यू कैन वॉच अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा, टॉपर्स स्ट्रेटजी सेशंस होगा एंड टेस्ट सीरीज ऑफ फेस वन इज ऑल्सो अवेलेबल. फेस वन का टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगा इन दिस पैकेज. ओके, द कॉस्ट ऑफ दिस पैकेज, लेट मी टेल यू, कॉस्ट ऑफ दिस पैकेज इज 8,000. ओके, 8,000 इज द कॉस्ट ऑफ दिस पैकेज. टिल 2024. ओके, एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द वन मोर ईयर देन दिस इज 12,000. 12,000 ओनली फेज टू टिल 2025. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस. ओके, फेज टू आप जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि यू आर गुड एट रीजनिंग क्वांट एंड अदर थिंग्स, देन यू कैन गो फॉर द फेज टू. अदरवाइज यू कैन गो फॉर द बोथ फेसेस, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, why is this great opportunity, why RBI is a great opportunity. First of all, it is a great career. RBI is a central bank and it is monitoring the banks of all over India, and plus you will get the location in the prime cities. I'm telling you, I have worked in many companies. Maine bahut sari companies mein, NTPC limited mein, IRCTC limited mein, PwC mein kaam kiya. In the government job, biggest disadvantage people have is that they don't have the posting in the good location, including the IAS officers. IAS officers ki posting bhi kahan pe hoti hai? Kisi remote area mein hoti hai. State ke alag alag portion mein baba transfer hota hai. But in the RBI, location is prime. Mumbai, Delhi, jo bhi aapki prime locations hai, major locations hai, wahan par aapko posting milegi. Isn't it a good thing? To ye aapki bahut achhi opportunity hai. Then if you are preparing for UPSC, it is a good backup option, best backup option. क्योंकि देखिए, other examinations can be having, maybe so much of competition. Banking exams होते हैं, हर साल होते हैं, बहुत सारे लोग prepare कर रहे होते हैं, तो उतना ज्यादा वहां पर scope नहीं होता है, right? Crowd is coming there. But in RBI, limited number of people are coming. There are eligibility criteria, then not everyone is having the background of many areas, ठीक है. तो किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, किसी का someone is not good in quant reasoning and all. So, and again, not that much people are appearing in this exam. So that is why RBI offers less competition as compared to other exams and a great opportunity. So people who are working in the banking system, जो लोग banking में काम कर रहे होते हैं ना, they people are appearing for the RBI exam. जो already 5 साल काम कर चुके हैं, 10 साल काम कर चुके हैं banking में, वो लोग आरबीआई एग्जाम में अपीयर करते हैं. तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये, ठीक है. एंड इफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, इट द सिलेबस ओवरलैप्स. ओके, एंड इट कैन बी कवर्ड इन 2 मंथ्स. अगर आप डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर करते हैं तब आप 2 महीने में आराम से कर सकते हैं. एंड इफ यू से सर आई एम नॉट येट डेडिकेटिंग माई 2 मंथ बिकॉज आई एम बिजी इन सम मैनी अदर थिंग, देन आई विल से यू फिल अप द फॉर्म ऑफ 2023, गेट ए आइडिया, गेट द कोर्स, try to cover as much as possible, appear in sincerely, use this attempt for getting the experience, and next year you will get sufficient time. So keep preparing, keep observing, keep learning from your mistakes, keep revising, keep making notes, or aap attentive rahenge so 2024 mein you will get an edge. Okay, so don't think that in 2023 only I should get an edge. 2024 mein aapko edge mil sakta hai, right. Then it is good career progression and highly paid, one of the highly paid, 1.25 lakh ka humne bataya package, multiplied with 12 month, that means 15 lakh, not easy. Okay, and as compared to previous year, the number of vacancies are higher. And this examination is happening now consistently, regularly.
ये एग्जाम आपका कंसिस्टेंटली रेगुलरली हो रहा है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर अभी हम प्रिपेयर करेंगे और मेहनत खराब हो जाएगी. दैट विल नॉट हैपन. इफ यू प्रिपेयर नाउ योर एफर्ट विल नॉट गो वेस्ट. आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा. ओके, नाउ फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, इफ यू आस्क मी फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट, ओके, एंड बिफोर दैट आई वुड टू टेल यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स then you can type course in the chat box and my team will call you. We will also post the details in the Telegram channel, right? This introductory offer is available only for admissions, initial few admissions. After that, course validity will be limited to only 1 year. That means not eligible for 2024, but till only 1 year, okay? तो ये बेनिफिट होगा अगर आप अर्ली एनरोल करते हैं तो, ठीक है. एंड यू विल ऑल्सो गेट द शेड्यूल, यू विल ऑल्सो गेट कंप्लीट एक्सेस एवरीथिंग वेरी सून. ओके, नाउ अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, देन इन द फेस वन क्वांट एंड रीजनिंग यू आर ऑलरेडी डूइंग इन द सीसेट, यू जस्ट नीड सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. एंड करंट अफेयर्स यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट हियर सम एक्स्ट्रा फोकस इज रिक्वायर्ड ऑन द बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट इश्यूज. तो यहाँ पर आपको कुछ एक्सेस चाहिए बैंकिंग का और फाइनेंस करंट इश्यूज का. एंड इन द इंग्लिश यू नीड टू प्रिपेयर द एग्जाम फॉर्मेट. ओके, इट इज डिफरेंट बट इट इज डूएबल, इजी है, राइट. एंड जनरल अवेयरनेस यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वेरी वेल इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स और एनजीएस. तो फेस वन में आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, बट नॉट दैट मच. ओके, इन फेस टू यू हैव मैनेजमेंट एंड फाइनेंस. ओके, मैनेजमेंट दिस इज अ थ्योरी पोर्शन. इफ यू अटेंड द राइट क्लासेज और यू गेट द राइट स्टडी मटेरियल, देन यू कैन गेट इट ईजिली. एंड फाइनेंस पोर्शन इज मेजरली कवर्ड इन द यूपीएससी प्रिपरेशन. ओके, तो फाइनेंस आपका यूपीएससी में ऑलरेडी कवर्ड अप होता ही है. देन यू हैव इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड इन यूपीएससी प्रिपरेशन ऑल्सो. एंड यू नीड टू फोकस एक्स्ट्रा ओनली ऑन द करंट अफेयर्स. तो यूपीएससी में आपका इकोनॉमिक्स आता है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एंड इंग्लिश दिस इज ऑलरेडी ऐसे जो है आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. प्रिसिस राइटिंग यू डू इन द मेंस एग्जाम. ओके, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू डू इन द प्रीलिम्स ऑल्सो. सो जस्ट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. इंग्लिश आपका काफी हद तक प्रिपेयर्ड है, ठीक है. तो इंग्लिश प्रिपेयर्ड है, इकोनॉमिक्स प्रिपेयर्ड है, आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट प्रिपेयर करना है. ओनली दिस एरिया इज कंप्लीटली न्यू, ठीक है. फाइनेंस जो है आपका ओवरलैप होता है और मैनेजमेंट आपका कंप्लीटली न्यू है, ठीक है. बट दिस इज डूएबल, दिस कैन बी डन विद द राइट प्रिपरेशन. Okay, so with these words, I stop, complete this session. My colleagues will take more sessions and will keep posting the relevant post in the Telegram and the YouTube. Please join and keep updating yourself, keep learning, and all the very best. If you have any question, please ask me. I can answer your question. You can type in the chat box or you can ask by unmuting yourself.